हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। टुडे माय टॉपिक इज अबाउट विंडोज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा, आज मैं आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को समझ में आ जाए। सबसे पहले आप विंडोज़ के बारे में आपके चैप्टर में दिया जाए कि विंडोज़ क्या होती हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर देखिए, देयर आर मैनी थिंग्स टू डू ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, द डिज़ाइनिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा, ये सब करने के लिए कंप्यूटर में है, ठीक है। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, और ये हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को ऑपरेट करने में। इट मैनेज एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो विंडोज होती हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को मैनेज करती हैं और कंट्रोल करती हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण रखती हैं, ठीक है। और ये यूज़र और कंप्यूटर पार्ट्स के बीच एक इंटरफेस के रूप में एक्ट करती है, कार्य करती है, ओके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि डेस्कटॉप क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर ये क्या है? डेस्कटॉप है। आप सभी को शो हो रहा होगा, ये हमारा डेस्कटॉप है, ओके। डेस्कटॉप है ये हमारा, और नीचे जो दे रखा होता है, ये होता है टास्क बार। क्या है ये? टास्क बार। और ये देखिए, ये छोटे छोटे जो डेस्कटॉप पर दिख रहे हैं आपको, ये सारे ये क्या है? आइकन्स होते हैं, डेस्कटॉप के आइकन्स हैं ये, ओके। और ये होता है स्टार्ट बटन। शो हो रहा है सभी को? ये होता है स्टार्ट बटन। देखिए, स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट वन मिनट, स्टार्ट बटन, ठीक है। ये स्टार्ट बटन है, जैसे गूगल क्रोम दिख रहा है, ये आइकन है, ओके। और उसके बाद ये नीचे इस साइड देखिए, यहाँ पर क्लॉक वगैरह, कैलेंडर वगैरह सब दिया होता है, लैंग्वेज, बैटरी वगैरह का, स्पीकर का, इंटरनेट का। ये देखिए, कुछ हाइड कर रखे हैं मैंने इसके अंदर। ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? टास्क बार के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आइकन्स बता दिए, ये स्मॉल ग्राफिक्स और इमेजेस जो हैं इसमें, ये सारे हमारे हैं आइकन्स, ठीक है। आइकन्स के अंदर फाइल्स भी होती हैं, फोल्डर्स भी होते हैं। अब देखो, फाइल्स क्या होती हैं? जैसे आपको ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये मेरी फाइल है। मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लो, जस्ट वन मिनट, ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। ये है हमारी फाइल, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है। फोल्डर, जिसमें हम बहुत सारी फाइल्स रखते हैं, जैसे कि देखो, ये हो गया फोल्डर, इसमें मेरी बहुत सारी फाइल्स मैंने इसमें स्टोर करके रखी हैं। देखो कितनी सारी फाइल्स है इसके अंदर। ये क्या है? मेरा फोल्डर है, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया है फाइल्स और फोल्डर के बीच में। फाइल कंटेन करती है इंफॉर्मेशन, एग्जांपल टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक एक्सेट्रा, ठीक है। हम व्यू कैसे कर सकते हैं फाइल्स को? इस पर डबल क्लिक करके करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगी फाइल हमारी, जो डेस्कटॉप पर है, ठीक है। कॉपिंग ऑफ फाइल फोल्डर, आप कॉपी कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो ये है फाइल मेरी, इसको कॉपी करना है मुझे, तो इस पर माउस का मैं राइट क्लिक करूँगी, ओके। राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करूँगी मैं, तो ये मेरा कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको मूव करती हूँ दूसरे प्लेस पर, ये देखो, ये पेस्ट हो गया मेरा। ये क्या है? कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे किसी फाइल को कॉपी करते हैं और उसको किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। डिलीटिंग अ फाइल, मैंने अभी डिलीट भी किया था, ये देखिए, यहाँ से ये ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये डिलीट, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो हमारी जो फाइल होती है ना, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिकवरिंग अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर। मान लो मुझे कोई, मैंने कोई फाइल और फोल्डर को डिलीट कर दिया अपने सिस्टम में से, मुझे उसको रिकवर करना है, तो मैं कहाँ से करूँगी? रिसाइकल बिन से। ये देखिए, ये ऑप्शन आ रहा है रिसाइकल बिन, इसके अंदर जो मैंने डिलीट की है फाइल्स, सारी फाइल्स देखो मेरी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो मुझे किसी को भी अगर रीस्टोर करना है, जैसे मान लो मुझे इसको करना है, इस पर किया क्लिक, जस्ट वन मिनट, क्लिक किया रीस्टोर, यहाँ से रीस्टोर करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर ये शो होगा,
ठीक है। इस तरह से हम डिलीटेड फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में लिख दिया गया है पर्सनलाइज द कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर आप राइट क्लिक करोगे, राइट, ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अभी ओपन हो रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आप कोई भी डेस्कटॉप की थीम ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये ले ली, ठीक है। पहले आपको पता था ना मेरी थीम क्या थी डेस्कटॉप की। यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकती हूँ, कस्टम कलर, ओके। ये देखिए चेंज हो गई ना मेरी सिस्टम की थीम। इस तरह से हम सिस्टम की थीम को चेंज कहाँ से कर सकते हैं, पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाएंगे, कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो आप वहाँ से जाके। और जैसे मान लो मैं दोबारा से अगेन यही कर देती हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। तो आपके चैप्टर में यही सब सब है जितना मैंने आपको करवा दिया है चैप्टर में। आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जो भी डाउट होगा मैं आपका लाइव क्लास में क्लियर कर दूंगी। आपको इसको अच्छे से, जिसके घर में सिस्टम है उसको प्रैक्टिकल करके देखना है। थैंक यू।